साथियों, सबसे पहले जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं आपके लिए एक सबसे बड़ी खबर और एक सबसे बड़ी जानकारी लेकर आया हूं। साथियों, अंबेडकर वादियों पर जो कि झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का इस मामले में क्या कहना है, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला समझाएंगे। साथियों, उससे पहले हमारी एक आपसे एक अपील अवश्य रहेगी, आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी घंटी को अवश्य दबाएँ, जिससे कि बहुजन समाज से जुड़ी खबर आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहेगी। साथियों, अब हम आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। साथियों, अंबेडकरवादी वही अंबेडकरवादी जो कि डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को फॉलो करता है, जिस किसी के भी ऊपर अत्याचार व उत्पीड़न होता है उसके साथ खड़ा होता है, वही अंबेडकरवादी है। और साथियों, उसी अंबेडकरवादी के ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर उसको जेल में ठूसा जा रहा है, उनके ऊपर गलत तरीके से मुकदमे लगाए जा रहे हैं। साथियों, एक बिल्कुल नया मामला निकल कर आ रहा है महाराष्ट्र से, जो कि एक अंबेडकरवादी थे उनको गलत तरीके से फंसाया गया, उनके ऊपर जो कि झूठा मुकदमा लगाया गया है, ऐसा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है। आखिर पूरे मामले में चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया रखी, आखिर उन्होंने क्या कुछ इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखी और क्या कुछ समाज को एक संदेश दिया, प्रशासन से क्या अपील की है, अब हम आपको बताते हैं। साथियों, महाराष्ट्र में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ट्वीट करते हुए बोला है, महाराष्ट्र में अंबेडकरवादियों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि महाराष्ट्र में अंबेडकरवादियों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। आगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी बोलते हैं, जो कि निंदनीय है। चंद्रशेखर आज़ाद ने इस ट्वीट में दुख भी जताया, इस चीज़ को लेकर दुख भी जताया है। हक की बात करने वाले भाई अतीश बंसोड़े की धारा 353 के तहत की गई गिरफ्तारी तानाशाही का प्रमाण है। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी, आपको संविधान की शपथ की लौटना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है, जो कि वहाँ के गृह मंत्री हैं उनसे अपील की है कि आपको संविधान की शपथ को लौटना होगा, संविधान की शपथ को आपने जो शपथ ली है उसके दायरे में काम करना होगा, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, ऐसा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने गृह मंत्री से बोला है। और आगे चंद्रशेखर आज़ाद जी बोलते हैं, वरना आंदोलन और तेज होगा। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है, जो महाराष्ट्र में अंबेडकरवादियों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, अगर ये जो सिलसिला बंद नहीं हुआ, अगर झूठे मुकदमे नहीं हटाए गए तो आंदोलन तेज होगा, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है। साथियों, हम एक बात बता दें, लगातार कोई भी गरीब दलित शोषित वंचित बहुजनों की आवाज़ उठा रहा है तो उसके ऊपर लगातार हमला हो रहा है। साथियों, हमें कब पता नहीं कि हमारे ऊपर क्या कब हो जाए, तो फिर भी हम अपने बहुजन समाज के व्यक्तियों पर हुए उत्पीड़न की आवाज़ उठा रहे हैं, हमें इस बात का कोई डर नहीं है। साथियों, हमें आपका सपोर्ट चाहिए, आपका कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े रहिए, हमें आपसे कोई कैसी भी चीज़ कोई भी किसी भी प्रकार की कैसी भी मदद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए, आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, यही हमारा लिए सबसे बड़ा आपका योगदान रहेगा हमारे बीच हमको आगे बढ़ाने में। साथियों, अब सवाल ये पैदा होता है, आखिर अंबेडकरवादी बहुजन समाज के व्यक्तियों पर क्यों झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि अगर ये झूठे मुकदमे बंद नहीं हुए तो आंदोलन बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगा। साथियों, हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, सहयोग चाहिए, आपके कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलिए, आपका अहम योगदान रहेगा समाज को जागरूक करने में। अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जय भीम जय भारत, फिर मिलते हैं नई खबर एक नई जानकारी के साथ।